कर्म करते जा, तू फल की चिंता ना कर। कम ऑन, यू नीड टू रिपीट दिस अगेन एंड अगेन। कम ऑन, वापस दोबारा से रिपीट कीजिए। कर्म करता जा, तू फल की चिंता ना कर। जय श्री कृष्णा, जय राधे कृष्णा, जय लड्डू गोपाल। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेरी भक्ति मेरे भाव, और मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त जो आई हूँ वापस से आप लोगों को भरपूर सी इंस्पिरेशनल वाली गाइडेंस देने के लिए, ताकि आप लोग बना सके अपनी लाइफ और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, कैसा हालचाल है? आशा करती हूँ कि आप सभी भी बहुत ही खुश होंगे, आनंदित होंगे और हमेशा हंसते खेलते रहिएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा चैनल इज ऑल अबाउट इंस्पिरेशनल गाइडेंस, इंस्पिरेशनल टॉक्स, DIYs, पेंटिंग्स, होम डेकोर, व्लॉग्स और पर्सनल एक्सपीरियंस और स्पिरिचुअलिटी। तो अगर आप लोग अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बहुत कुछ आप अच्छी अच्छी वाली बातें मिस कर जाओगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरे कोई भी दोस्त अच्छी अच्छी बातें मिस करें करके, क्योंकि यहाँ पर हम हैं सभी की मदद करने के लिए। और अगर हम किसी भी तरीके से उनकी मदद करते हैं और उनकी लाइफ और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनती है, तो इससे और बड़ी खुशी वाली क्या बात है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो आज का वीडियो है बहुत दमदार, क्योंकि मैं आई हूँ फुल जोश के साथ आप लोगों को और आप लोगों की सोच को, जो गलत शायद है, उसको बदलने के लिए। तो देखते हैं आज के वीडियो में क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्दी से रेडी हो जाइए, और टेंशन वेंशन कुछ है तो प्लीज़ इसे छोड़ दीजिएगा, स्ट्रेस वगैरह है तो छोड़ दीजिएगा, और मेरा वीडियो को आराम से और अच्छे से इंटरेस्ट से देखिएगा, ताकि आप लोगों को मिलने वाली ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर विजडम और नॉलेज। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात जो आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ वह है, एक्चुअली आज का जो टॉपिक है वो यही इसी बात पर है दोस्तों, कर्म करता जा तू फल की चिंता ना कर। जी हाँ दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भी यही कहा गया है हमारे भगवान श्री कृष्णा ने, और जो है बहुत बड़े लीला करने वाले और जो है बहुत बड़े हमारे नटखट खाना, उन्होंने भी यही बात कही है दोस्तों कि कर्म करता जा तू फल की चिंता ना कर। लेकिन आजकल क्या देखने को मिल रहा है, कर्म तो करते नहीं है लेकिन फल की चिंता उसके पहले ही शुरू हो जाती है। कैसे होगा, क्या होगा, रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, बाप रे बाप रे बाप, क्या सही है दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं है। कर्म तो करना शुरू कीजिए, रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना। पूरा एफर्ट्स डालिए, पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ और पूरी एक्साइटमेंट के साथ, पूरी फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना कर्म, अपना एफर्ट्स शुरू कीजिए। जो भी काम आप करना चाहते हैं उसमें अपना पूरा का पूरा एफर्ट्स डाल दीजिए, और फिर देखिए रिजल्ट्स के बारे में तो सोचना नहीं है आपको, वो तो ईश्वर देख लेगा, हमारा कन्हैया देख लेगा, माता रानी देख लेगी, आपको क्या पड़ा है उससे दोस्तों। रिजल्ट तो अच्छे आने ही आने ही आने वाले हैं, अगर पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ और पूरे लगन और पूरे एफर्ट्स के साथ मेहनत करेंगे तो रिजल्ट्स तो 100 क्या, 200 क्या, 1000 क्या, 10,000% आने वाले हैं, और वो भी बहुत ही अच्छे। यस, इट इज द ट्रूथ, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, इसलिए कहती हूँ कर्म करता जा तू फल की चिंता ना कर। कम ऑन, कम ऑन, रिपीट नहीं, आज कैसे भी करके मुझे आपको इंस्पायर करना है। बाकी सारी बातें बाद में मुझे नहीं सुननी, लेकिन मुझे यह बात आपसे बार बार कहनी है, लगातार कहनी है, रिपीट, कम ऑन। क्यों बोल रही हूँ ये, क्योंकि बहुत बार देखा गया है सुबह का मोटिवेशन शाम तक हो गया, बाद में तो दूसरे दिन कुछ याद नहीं रहता है। लेकिन आज मैं ऐसे आप लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूँ, पूरा पूरा इंस्पायर करके रहूँगी, एंड मार्क माय वर्ड्स माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग डेफिनेटली 1000% से भी ज़्यादा इंस्पायर होके चले जाएंगे। वीडियो को पूरा देखना ज़रूर, स्किप मत करना। आज है पूरा 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 जोश के साथ, पूरे होश के साथ आपको यह काम करना है, बार बार रिपीट करते जाना है। अभी रिपीट करने का कारण क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, जब कोई कभी भी आप कोई भी बात रिपीट करने लगते हैं, बार बार कंसिस्टेंटली करने लगते हैं, आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है, एक आदत बन जाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वह इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली बैठ जाती है कि बाद में आप उस पर यकीन करने लगते हैं और वह आपकी रियलिटी बन जाती है। इसीलिए बहुत बार मैंने बहुत सारे मेरे वीडियोज़ में कहा है, फोकस कीजिए उन चीज़ों पर जो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चाहिए,
ना कि उन चीज़ों पर जो आपको नहीं चाहिए। तो आज इस वीडियो में भी वापस दोबारा वही मैंने रिपीट किया है दोस्तों। तो आपको लगातार बार बार यह बोलते रहना है अपने आप से, जो भी अच्छी बातें हैं अपनी लाइफ में आपको चाहिए, ऐसा अगर आपको लगे कहीं भी कभी भी किसी भी मोड़ पर कि आप अभी तो पूरी एनर्जी लूज़ करते जा रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा है, सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं है, लेकिन आपने उस काम को किस वजह से शुरू किया था इसे कभी ना भूलना। यह जितने बार आप रिपीट करोगे तब तब आपको जब कभी भी ऐसा लगेगा अरे बहुत ज़्यादा ट्राई किया अभी नहीं हो पा रहा है, आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझेंगे। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कुछ कुछ काम वर्कआउट नहीं करते हैं, उसमें देखना पड़ता है कि आप कहाँ पर कितना अपने एफर्ट्स को डाला है और कहाँ पर अपने एफर्ट्स लूज़ हो रहे हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने से ही नहीं चलता है, उस पर आपको सोचना पड़ेगा, वहाँ पर आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। हाँ, यानी कि यू नीड टू पुट इन एफर्ट्स ऑल्सो एंड स्मार्ट वर्क ऑल्सो। सिर्फ एफर्ट 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 करने से नहीं होता है, वह तो एक गधा भी करता है ना दोस्तों। देखिए गधा कितना काम करता है बेचारा, लेकिन अभी इस बात को बुरा नहीं मानने का, क्योंकि मैंने गधे का एग्जाम्पल दिया है। यह बहुत ही बहुत ही बहुत ही फैक्ट है दोस्तों, बहुत ही ट्रू फैक्ट है। सिर्फ काम करते जाना नहीं, स्मार्टली दिमाग से काम कीजिए। और सबसे पहले दिमाग आपको अगर अपना स्ट्रांग बनाना है, अपना सभी कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपको पूरी इकट्ठा करनी है, तो मैंने हमेशा बोला है आपसे, भगवान से ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा, सच्चे मन से प्रार्थना कीजिएगा, बाकी सारी ताकत तो वो आपको देगा दोस्तों। इस बात के कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आज से शुरू हो जाइए, भगवान का नाम लीजिए सच्चे मन से, पवित्र भावना से, और जो भी आप काम करेंगे उसमें वह ईमानदारी, वह सच्चाई और पूरी लगन मेहनत के साथ आप कीजिए, और फिर आकर मुझे बताइएगा कि आपका काम होता है या नहीं होता है करके। लेकिन काम शुरू करते ही 2-3 दिनों में अगर कुछ रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो उसे छोड़कर घबराकर भागना नहीं, और बाद में आकर मुझे मत कहना कि नहीं काम नहीं हुआ है करके, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। कर्म तो लगातार कंसिस्टेंटली करते जा और फिर देखना, और वो भी पूरी सच्चाई के साथ ईमानदारी के साथ काम करते चला जा, क्योंकि जब हम सच्चाई के साथ पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं और पूरी सच्चाई के साथ पवित्र भावना के साथ हम काम करते हैं, तो हमें रिजल्ट मिलने के साथ साथ वह खुशी और वह अंदर से एक जो पॉजिटिव वाइब मिलती है ना, उसकी बात वारे वाह कुछ अलग ही होती है। रात को सुकून चैन भरी नींद मिलती है और सुबह उठते ही फ्रेशनेस होती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो मेहनत होती है वह ईमानदारी से की गई होती है, सच्चाई के साथ की गई होती है, पूरी पवित्र भावना से की गई होती है, और फिर रिजल्ट तो आने ही आने हैं। रिजल्ट के साथ हमें वह अच्छी अंदर से जो आने वाली अच्छी खुशी है, जो परमानेंट खुशी उसको कहते हैं हम, वह भी मिलती है। तो साथ साथ में बोनस भी मिल गया ना, रिजल्ट भी अच्छे मिल गए और बोनस में क्या मिला, सच्ची वाली खुशी जो हम कभी भी नहीं भूल सकते, वो हमेशा हमारे साथ रहती है। और उसी में बहुतों की अच्छी दुआएं भी हमें मिलती है, क्योंकि हमारा काम होता है ईमानदारी से किया गया काम, और यही दुआएं हमारे लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा आगे तक सक्सेस तक लेके जाती हैं। यकीन नहीं आता है तो यह टिप आप ज़रूर से आजमा के देखिएगा और रिपीट करते रहिएगा दोस्तों। जब जब आपको शक होने लगे, जब जब आपको अपने आप पर डाउट होने लगे, ऐसा लगे कि नहीं अभी तो मुझे छोड़ देना चाहिए, अभी तो मैं कुछ भी करने को लायक नहीं हूँ, अभी तो मुझसे कुछ भी नहीं होगा, ऐसा अगर मन में आए तो इस बात को ज़रूर से याद रखना। क्या? कर्म करते जा तू फल की चिंता ना कर, कर्म करते जा तू फल की चिंता ना कर। तो आशा करते हुए कि आज का यह वीडियो आप लोगों को डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन देकर गया होगा, और प्लीज़ अगर लाइक होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा कि आप में से कौन कौन लोग इंस्पायर हो चुके हैं और अपने काम को पूरी मेहनत लगन और सच्चाई के साथ शुरू करने के लिए वापस एनर्जी के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी है करके। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही में वह टिंग टॉन्ग वाले नोटिफिकेशन बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपडेट आए तो आप लोग तुरंत उसे देख सकें। लाइक शेयर और सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी अगली नई सुंदर सी वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा, ध्यान रखेगा, हंसते खेलते रहेगा और हमेशा खुश रहेगा। तो दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय राधे कृष्णा, जय लड्डू गोपाल, बाय।